यार खान की तहसील खानपुर के नवाह इलाके बस्ती अहमद नवाज झलन में शाहिद हुसैन लतीफ अहमद और जाम इकबाल झलन और दीगरान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज वाहिद से अपील करते हुए कहा कि हमारा इलाका तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस वक्त हमारे ग्रेट न्यूज़ के नुमाइंदा सजाद अहमद झलन वहाँ पर मौजूद हैं। जी सजाद अहमद झलन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रहीम यार खान तहसील खानपुर मौज़ा गुलन कुकाला बस्ती जहाँ मोहम्मद रवाज झुलन में, जहाँ पर सरकारी बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से आवाम सरापा एहतजाज है। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती के, यहाँ नौजवान बुज़ुर्ग बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारे ज़रिए से ये अपने हुकाम बाला तक जो आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी बाबा जी, सबसे पहले सब ना दसो। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है जी, बस्ती झुलन। ठीक है, ठीक है। हुकूमत कोई ऐसा कोई सहूलत क्या नहीं दी, ठीक है, कोई सहूलत क्या नहीं, जेड़ा हम दे एम पी एम एन हाँ कर दे बलता क्या नहीं, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। क्या क्या मसाइल? साफ़ पानी, साफ़ पानी, साफ़ पानी, ठीक है, ठीक है। हस्पताल, ठीक है। सारे रोड ना कोई रस्ता है, पानी आते थे देखो कि बारिश नाल सारे घर भरी जाते हैं अंदर पानी, असा कोई आसरे दे तो कोई चीज सा नहीं मिली। वोट तो हर कहीं कोई देंगे, जेरा बंदा आंदे वोट हर बंदे को देनो, हर बंदे की इज्जत ही करनी, सही है। लेकिन असा को नहीं सुनदा कोई नहीं, सहूलत कोई नहीं देना, कोई सहूलत। जी नाजरीन, इनका आपने मौकफ सुना, इनका यही कहना था कि हम हर किसी को वोट देते हैं, हर किसी ने सियासत की दुकानें तो खोली हुई हैं लेकिन मसाइल पर कोई बात नहीं करता। इन्हें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अपील करते हैं कि हमारे इलाके के तमाम मसाइल हल किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ सजाद अहमद झुलन, ग्रेट न्यूज़ खानपुर, रहीम यार खान। जी